2024 के चुनाव पर सबसे सटीक विश्लेषण वाला स्पेशल शो 24 का अंक गणित आज से हर रोज इसी वक्त यानी रात के 10:15 पर हम आपको 2024 के चुनाव के अंक गणित का सबसे सटीक विश्लेषण दिखाएंगे। 2024 में एक तरफ बीजेपी रिकॉर्ड जीत जो सीटें हैं उसको मिशन में लग चुकी है, रिकॉर्ड सीटें जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब की बार सबसे कम सीट लड़ने का रिकॉर्ड बना सकती है। 2024 के अंक गणित में आज बीजेपी का नंबर है क्या, प्लान क्या है? 160 को कांग्रेस का अंक गणित है, फॉर्मूला 250। कैसे होगा ये सब कुछ हासिल, आइए देखिए। जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के। मोदी गारंटी दबा पाई पड़ीबा, मोदी 18 लाख कोटी टंका ओडिशा विकास पाई पहुंचाई चुंदी। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 के चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। इस बीच आज सीटों के अंक गणित में अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के मिशन 160 तो इंडिया गठबंधन के वजूद को कायम रखने के लिए कांग्रेस के मिशन 250 की चर्चा बेहद जोरों पर है। इस बीच 8 जनवरी 2024 यानी आज की ये दो तस्वीरें बेहद अहम हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे पर बैठक हुई, तो दूसरी तस्वीर दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर ओडिशा के संबलपुर की है। क्या देखी पर तो गारे पीदा पानी आसुची। ओडिशा के संबलपुर की इस तस्वीर को मामूली मत समझिएगा, आप इसे देश के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम भर की तस्वीर ही नहीं समझिएगा। 2024 के चुनाव के लिहाज से ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि इसी संबलपुर सीट से लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी के तमाम वो कद्दावर मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम है। बड़ी बात तो ये है कि वैष्णव भी ओडिशा से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव का चुनाव लड़ना बीजेपी के प्लान 160 का हिस्सा है। बीजेपी का प्लान 160 क्या है इसे बस थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अभी आपको एक बार फिर से दिल्ली ले चलते हैं जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की दो अहम पार्टियां कांग्रेस और आप की मीटिंग हुई। इस बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी मांगे और प्रस्ताव से जुड़े हुए दस्तावेज साझा किए। इस बैठक में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला लेकिन अपने अपने आलाकमान से बात कर एक बार फिर आमने सामने बैठकर बात करने पर सहमति जरूर बनी है। क्या कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर समझौता हो पाएगा इसका जवाब तो अभी नहीं मिला है लेकिन कांग्रेस ने मीटिंग के बाद जो कहा उसे आप ध्यान से सुनिए। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। दिल्ली और पंजाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर समझौता आसान नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पंजाब की सभी 13 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं तो दिल्ली की 7 सीटों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2019 में पंजाब की 13 में से 8 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी तो 2 बीजेपी, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 आप के खाते में गई थी लेकिन अब की बार कांग्रेस से गठजोड़ के आसार के बावजूद खुद अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने की 17 तारीख को बठिंडा में पंजाब की जनता से सभी 13 सीटें आपकी झोली में डालने की अपील की थी। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर।
13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ में जरूर दीजिएगा। दिल्ली में आज की मीटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने भी दो टूक कहा कि बातचीत सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर ही नहीं होगी बल्कि उन राज्यों पर भी होगी जहां उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि और संगठन हैं। सारे इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स हैं आम आदमी पार्टी से संबंधित पॉलिटिकली, जहां जहां पे भी हम अच्छा कर सकते हैं या हमें क्षमता है, उन सबको लेकर बैठेंगे। संदेश साफ है, आपकी नजर 26 लोकसभा सीट वाले गुजरात और 2 लोकसभा सीट वाले गोवा पर भी है जहां उसके विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी एक दिन पहले ही गुजरात जाकर भरूच से आप उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए 2024 की राह में चुनौतियां अनेक हैं, जिनमें से एक है महाराष्ट्र। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने सभी 48 सीटों से उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं तो उसकी सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने 2019 में जीती सभी 23 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को जीरो तक घोषित कर चुके हैं। पिछली बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आती नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। हालांकि बीते 5 साल में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हो चुकी हैं। अंकगणित के लिहाज से देखें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भारी है। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी उलझन बढ़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ ही मिलकर राज्य में बीजेपी सरकार चला रही है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया है। बिहार में सीट 40 है, जेडीयू और आरजेडी में 17-17 सीटों के बंटवारे पर आपसी सहमति की खबर है। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के लिए 6 सीट बचती है जबकि उसका दावा 10 सीट पर है। इस बीच अब सीपीआई माले ने ही अकेले 6 सीट पर दावा ठोक दिया है। बिहार में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी ये तस्वीर तो अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार की सभी 40 सीटों के लिए अपने कोऑर्डिनेटर जरूर नियुक्त कर दिए हैं। पिछली बार बिहार में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 1 सीट किशनगंज पर जीत दर्ज किया था, लेकिन इस एक जीती हुई सीट के बनिस्पत कांग्रेस इस बार 10 गुना ज्यादा यानी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में, लेकिन जुबानी मुकाबला इन दोनों से कहीं ज्यादा टीएमसी और कांग्रेस में चल रहा है। मिसाल के लिए टीएमसी का सबसे नया बयान ही सुन लीजिए। अधीर रंजन चौधरी तो भाजपा का ही आदमी है, उनका वॉयस उनका है, लेकिन वॉयस का जो कंटेंट है वो भाजपा का है। दिल्ली में कांग्रेस कोऑपरेशन चाहता है ममता दीदी का, और स्टेट में अधीर रंजन चौधरी भाजपा को खुश करके चल रहा है, तृणमूल को डैमेज कर रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, पिछली बार टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। अब की बार इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 ही सीट देने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस का दावा 10 सीट पर है। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला है, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हम क्या नया चीज देते हैं। इतनी तीखी बयानबाजी के बीच दोस्ती बचाना टीएमसी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। सीट बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में टकराव के बीच वाम दलों का चर्चा कहीं पे है ही नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी वाम दल को कितने सीट देंगे, आखिरकार कोई सीट देंगे कि नहीं, इसका चर्चा कहीं पे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऑलरेडी 35 सीट का गुहार लगा चुकी है।